हेलो गाइस, वेलकम बैक मिस्टर शुभ गेमिंग में। गाइस आज हम लैम्बोर्गिनी के साथ ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं और वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम फिलहाल के लिए अपनी लैम्बोर्गिनी दिखा देते हैं। ये खड़ी है मेरी जेड ब्लैक कलर में लैम्बोर्गिनी उरुस, और भाई इसको लेकर के हम चलते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो इंटीरियर मेरा इस तरीके का है, पहले भी आप वीडियो में देख चुके हो, और स्टेयरिंग भी साथ साथ मूव कर रहा है। तो मैं इसको लेकर के चलता हूँ अपनी ऑफ रोडिंग की लोकेशन पर। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, तो रिवर्स का गियर डाल देता हूँ और मुझे बैक करना है गाड़ी को, तो मैं बैक कर लेता हूँ और फिर निकालता हूँ इसको बाहर की तरफ। ओके, मैं जो हूँ गियर आगे का डालता हूँ फॉरवर्ड के लिए, तो मेरी गाड़ी आगे को निकल जाती है। और भाई आगे से टूट नहीं, नहीं टूटना नहीं, टूटना नहीं। ओके, तो मेरी गाड़ी निकल चुकी है। और भाई यहाँ पर चर्च का जो घंटा है वो भी बज चुका है, तो उम्मीद है मेरी जो गाड़ी है वो ऑफ रोडिंग में बेहतर प्रदर्शन करेगी। मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी को लेकर के ऑफ रोडिंग की लोकेशन पर। वैसे फ़िलहाल मेरी गाड़ी ऑफ रोडिंग की लोकेशन पर ही है, और मेरी जो गाड़ी है बहुत ही प्यारी लग रही है ब्लैक कलर में। और भाई यहाँ पर देखो रोड आ चुकी है, और मुझे राइट की साइड मुड़ना है, लेकिन सब कुछ देखते हुए आगे को बढ़ते रहना है। और भाई मैं मेन रोड पर आ चुका हूँ, और सामने से एक गाड़ी आ रही है, बच करके मुझे रहना पड़ेगा। और लैम्बो मेरी ये रही ब्लैक कलर की, और भाई ये काफ़ी ज़्यादा फायर करती है भाई, बहुत तगड़े तगड़े इसके फायर हैं ये देखो। और भाई मैं जो हूँ यहीं से अपनी ऑफ रोडिंग स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से मेरी जो लोकेशन है वो शुरू होती है ऑफ रोडिंग की। और ये ब्लैक कलर की मेरी लैम्बो चली ऑफ रोडिंग में, और भाई यहाँ से मेरी जो लोकेशन है वो शुरू होती है। मैं जो हूँ भाई नदी नदी इसके जहाँ से ये नदी आती है मैं उस नदी के किनारे तक जाऊँगा और देखूँगा भाई कि यहाँ पर क्या क्या है। और मैं यहाँ से नीचे को लेकर के चलता हूँ अब इस नदी के अंदर, तो भाई ये देखो टायर इसके अंदर गए, और भाई ये देखो पूरे टायर इसके अंदर तक जा रहे हैं। मुझे लग रहा है पानी काफ़ी गहरा है यहाँ पे। ओह भाई मेरी गाड़ी डूब गई है, मुझे थोड़ा किनारे की साइड लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी बंद होगी तो भाई स्टार्ट ही नहीं होगी। और भाई ये देखो लैम्बोर्गिनी को मैं लेकर के चल दिया हूँ आगे की तरफ, और भाई हम जहाँ वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये नदी ख़त्म नहीं होती। तो भाई फ़िलहाल के लिए हमारी जो लैम्बो है वो बहुत ही प्यारी लग रही है और नदी में, और बहुत प्यार से आगे को बढ़ रही है। भाई मुझे धीरे धीरे आराम से लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई पानी जो है ना बहुत ज़्यादा गहरा है, और हमारी लैम्बो भी डूब रही है। और भाई इसके ऊपर देखो कितनी बूंदें आ रही हैं इस पानी के झरने की, गाड़ी फेंक रही है, और भाई ये देखो पूरी डूब चुकी है पूरी की पूरी। और भाई थोड़ा साइड कर लेता हूँ मैं, चलते रहना है मुझे आगे की तरफ। और भाई मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाऊँगा, और भाई मैं जो हूँ अपने कैमरे से हाथ हटा लेता हूँ, और तब मैं चलता हूँ इसको लेकर के। ओके, अब देखते हैं भाई कितना मज़ा आने वाला है। तो ये गाइस हमारी ऑफ रोडिंग है, और हम इसकी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, और हम बिल्कुल जड़ तक जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ से इस नदी में इतना सारा पानी आ रहा भाई। और भाई ये देखो काफ़ी सारे पत्थर हैं भाई। फिर से मैं कैमरे पर अपना हाथ रख लेता हूँ, और उसके बाद भाई लेकर के चलते हैं। इधर साइड ज़्यादा पानी आ रहा है। ओके भाई, ये तो यहीं पे ख़त्म हो रही है मुझे लग रहा है। और गाइस ये देखो भाई मैं तो अंदर बैठ गया। ओ ये क्या हो गया भाई, ओ आराम से चलना पड़ेगा भाई, आराम से चलना पड़ेगा, मुझे देख करके चलना पड़ेगा। अरे भाई क्या हो गया, ओ भाई आराम से भाई, ठुक मत जाना इधर को। और गाइस ये देखो मैं बहुत ही प्यार से लेकर के जा रहा हूँ इस गाड़ी को। अरे भैया यहीं तक था क्या भाई, ये पानी यहीं से ही आ रहा था कि भाई ये इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है, ये तो यहाँ पर सूखा पड़ा है भाई, तो पानी कहाँ से आ रहा है फिर, ये क्या मामला भाई।
यहाँ पर तो सूखा पड़ा है, मतलब अपने आप ही निकले जा रहा है यार पानी। चलो गाइज, यहीं से आ रहा है था जो भी आ रहा था पानी नदी नदी में, और हम चलते हैं आगे की तरफ। और आगे हम जो हैं इसकी ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। फिलहाल हमारी जो ऑफ रोडिंग थी यहीं तक थी, और आगे हम बढ़ेंगे, आगे इसको लेकर के चलेंगे मेन रोड पे। मेन रोड पे थोड़ा सा इसको भगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी ऑफ रोडिंग करेंगे। तो अभी इसको लेकर के चलते हैं। और गाड़ी देखो कितनी मस्त लग रही है भाई, ब्लैक कलर में। और इसके टायर देखो यार। और भाई मुझे थोड़ा सा बच करके इन पेड़ों से रहना पड़ेगा। और मेरी जो रोड है वो भी आ चुकी है गाइज, तो मैं जो हूँ अपनी रोड की साइड चल लेता हूँ। और भाई मुझे जो है यहाँ पर इस गाड़ी को भगाना है, लेकिन भाई इन गाड़ियों से बच के रहना है। तो मैं जो हूँ अपना भाई इंटीरियर में बैठ जाता हूँ, और उसके बाद ही मैं इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इंटीरियर में बैठ जाता हूँ और फिर चलता हूँ मैं इस गाड़ी को लेकर के। और आ गए हैं हम मेन रोड पर। मेन रोड पर आने के बाद अब हम करते हैं इसकी ड्राइव अच्छे से। और भाई मेरा जो स्टेयरिंग है ना, वो ये देख लो भाई, मेरे साथ साथ ही मूव कर रहा है। और गजब 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 गजब, बच गई बच गई बच गई भाई, बच गई बच गई, बाल बाल बची है भाई गाड़ी ठुकने से। एक मिनट मैं भाई सीधे चल लेता हूँ आराम से। और भाई ये लोकेशन कौन सी आ गई है, यहाँ पर भी हमने एक ऑफ रोडिंग की थी जहाँ तक है मुझे याद है, और वो भी शायद मुझे लगता है लैम्बो की थी आई थिंक। कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने आगे की तरफ, और आगे हम ऑफ रोडिंग करेंगे इसके बाद। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं। और भाई मुझे ब्रेक लगा करके चलना पड़ेगा आराम से। फिर से मैं इंटीरियर में बैठा हूँ, और अब चलते हैं आगे की तरफ। स्पीड बढ़ा लेते हैं इसकी और भगाते हैं इसको। लेकिन 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 स्पीड में भाई कहाँ भाग गई, कहाँ भाग गई। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठुक मत जाना यार भाई। ये स्पीड गलत थी भाई, स्पीड बहुत गलत हो गई थी भाई। और गाइस यहाँ पर देखो बारिश पड़ने लगी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर से मेरी ऑफ रोडिंग की जो लोकेशन है, मुझे लगता है वो आ चुकी है। तो मुझे अपनी ऑफ रोडिंग की लोकेशन पे जल्दी जाना है, और वहाँ से फिर से मुझे ऑफ रोडिंग करनी शुरू करनी है। तो भाई देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं अभी यहाँ से दूसरी जो मेरी रोड है उस पर निकल लेता हूँ। और भाई यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और मेरी जो दूसरी रोड है मैं चेंज कर लेता हूँ अपनी रोड को, क्योंकि मेरी जो लोकेशन है वो भाई यहाँ से ही मिलेगी मुझे। और ये देखो गजब का नज़ारा है भाई। लेकिन यार मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कि बारिश पड़ रही है, लेकिन बारिश क्यों नहीं पड़ी भाई, अभी तक बारिश ही नहीं पड़ी है। कोई बात नहीं, बारिश को छोड़ो और हम चलते हैं अपनी ऑफ रोडिंग पे। और गाइज यहाँ से हमारी जो ऑफ रोडिंग है वो होती है शुरू। तो चलते हैं अपनी ऑफ रोडिंग पे और देखते हैं क्या होने वाला है। और भाई काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर भाग रही हैं, और मेरी जो गाड़ी है ना भाई वो रुक भी नहीं पा रही, स्पीड में काफ़ी है मेरी गाड़ी। और मुझे जो है ऑफ रोडिंग जो है आराम से करनी चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर मेरी गाड़ी संभल नहीं पा रही है। क्योंकि एक बार तो मेरी गाड़ी स्पीड में थी, तो वो भाई काफ़ी जंगलों में बढ़ गई थी, घर से टकराने से बच गई, पेड़ वगैरह से। और भाई ये देखो हम फिर से रोड क्रॉस कर चुके हैं। और भाई यहाँ पर देखो कितनी गंदगी है भाई, कीचड़ भरा हुआ है। तो हम थोड़ा सा फिर इधर साइड लेकर के चलते हैं अपने लेफ्ट साइड में। और ये देखो भाई गाड़ी क्या खूबसूरत लग रही है हमारी, पानी में फिर से नहा गई है। और भाई ये देखो आगे सामने क्या है इसके, भाई ये भी देख लो,
हम सीधे ही चल रहे हैं वैसे तो। गजब लग रही है यार मेरी गाड़ी भाई, मज़ा आ गया मेरी गाड़ी में, बहुत ही खूबसूरत। और गाइस ये देखो, ये हैं लकड़ियों के, वुडन के भाई, पता नहीं क्या है यार ये, पटलियाँ कुछ बोलते हैं इनको, प्लेट्स। और भाई बहुत ही आराम से मेरी गाड़ी चल रही है, पूरा ब्रिज बना रखा है भाई यहाँ पे इनका। और मेरी गाड़ी उतर चुकी है फिर से भाई, यहाँ पर एक और रोड आ चुकी है लकड़ियों की, तो भाई फिर मैं चढ़ जाता हूँ इस पर। और भाई अब मैं जो हूँ आराम से चलूँगा यहाँ पर, और देखते हैं कहाँ तक ये रोड बनी हुई है। और इसकी आवाज़ भी भाई देखो किस तरीके से आ रही है, टायर बोल रहे हैं ये। और गजब भाई, मुड़ाना है मुझे और आराम से लेकर के चलना है। और भाई फिर से कीचड़, और कीचड़ में मेरे टायर धस चुके हैं अंदर को भाई, काफ़ी गहरा यहाँ पर कीचड़ है। ये तो बवाल हो गया भाई, मेरी गाड़ी धुली धुलाई बेकार हो गई। मैं निकलता हूँ यार यहाँ से, इतनी गंदगी है भाई, कितना कीचड़ है, मेरी गाड़ी जो है भाई धस चुकी है अंदर को। और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी ठोस ज़मीन आ चुकी है, और भाई मुझे जो है यहाँ से निकलना है। मैं जो हूँ अपने लेफ्ट साइड में मुड़ा लेता हूँ गाड़ी को, और कोई गाड़ी आ तो नहीं रही फ़िलहाल, तो नहीं दिख रही है मुझे, और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। और अब आगे की तरफ चलते हैं। और भाई मुझे जो है राइट साइड मुड़ना है, और मैं राइट साइड मुड़ चुका हूँ। अब चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के। और भाई ये ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है भाई। ओ आराम से भाई, ठोक मत देना, मुझे सीधे जाना था। एक गाड़ी वाले ना बहुत ही बेकार हैं साले। और भाई फिर से मेरा दूसरा गियर डल चुका है, और मैं तीसरा गियर भी डाल लेता हूँ। और ये देखो किस कदर लेकर के आ रहा भाई, यहाँ पर तो सारी स्पोर्ट्स कारें और भाई जितनी भी लग्जरी कारें हैं सब यहाँ पर चल रही हैं। और गाइस फिर से मेन रोड आ गई, और अब हम एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं ऑन रोड, और ऑन रोड ही इसके मज़े लेते हैं। फिर अपनी गाड़ी को हम खड़ा कर देंगे, और जो हमारी ऑफ रोडिंग थी फ़िलहाल के लिए, हमारी ऑफ रोडिंग इतनी ही थी। और हम चलते हैं अपनी गाड़ी को लेकर के इस रोड पर मज़े लेते हुए, और हम गाड़ी को अपनी पार्क में लगा देंगे, जहां हम पार्किंग एरिया देखेंगे वहां पर हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे। और ये काफ़ी सारे घर थे यहां पर, और भाई यहां पर अभी और भी हैं। और भाई सारी गाड़ियां लेफ्ट मुड़ रही हैं, तो मैं भी एक काम करता हूं लेफ्ट ही मुड़ जाता हूं। तो भाई मैं भी लेफ्ट ही मुड़ चुका हूं। अब किधर जाना है मेरे को, एक और गाड़ी आ रही है आराम से पीछे से टूक गई भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल भाई रियलिस्टिक गेम बनाया है, लग ही नहीं रहा जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कार चला रहा हूँ। गाइज़ ये देखो फिर से एक और रोड आ चुकी है, और भाई गाड़ियाँ किधर को मुड़ रही हैं, एक तो लेफ्ट को, सारी लेफ्ट को मुड़ रही हैं, तो इस बार हम राइट को मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है पार्किंग एरिया वो आ चुका है। और भाई इधर को देखते हुए पीछे को, और भाई मैंने मुड़ा ली अपनी गाड़ी को, और सीधे चल लेते हैं सीधे एक थोड़ा सा पार्किंग एरिया, जहाँ भी हमें मिलेगा हम वहाँ पार्क कर देंगे। लेकिन गाइज़ यहाँ पर तो सब कुछ बंद है। ओके तो यहीं पे खड़ी कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक जगह है, तो हम यहाँ पर खड़ी कर देते हैं गाड़ी को, और ये हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।